रिश्तेदार वह शिफ्ट शुफ्ट तो चौंक गए एकदम, भाई ऐसे कैसे शादी कर ली, लड़की को जान तो पहचान तो लेते। मैंने मना बोला भाई नहीं नहीं लड़की अच्छी लग रही है कोई। एक तो क्या हुआ ना, मेरे भाई यहाँ आए थे जब मेरी शादी हुई थी, दूसरे दिन उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा, तो उसके बाद मेरी उनसे उन्होंने थोड़ा पड़ोसियों से पूछा था, पड़ोसियों ने ठा के ना थोड़ा गलत गाइड कर दिया उनको, थोड़ा भड़का दिया भाई करना पड़ा। जब जिस दिन मतलब मैं आई उस दिन ना तो मेरे को इनकी भाषा कुछ भी समझ आई, इसके लिए तो मेरे को अभी तक मतलब अभी तक भी थोड़ी बहुत नहीं आती है। मैंने इन दूसरे तीसरे दिन तो शहर में जाना हुआ है बाजार में, भाई सूट शांट लेके आया हुआ है तीन चार। सारे भाई ने राम राम, मेरा नाम राहुल अत्री, से मैं आप देखने लग रहे हो मिस्टर राहुल अत्री यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। तो भाई साहब हरियाणा में बाहर तो बहू लेना क्रेज चल रहा है, जो पहला क्रेज था 10 साल 5 साल पहला का वो था बिहार तो बहू लाया जिसका ब्याह नहीं करा था, लेकिन आज कल लव मैरिज हुए हैं, कोई बाहर तो फौरन तो बहू ले रहा है, कोई कहीं तो ले रहा है। तो आज अपने सामने जो बैठी है, जो फैमिली बैठी है, इनकी लव मैरिज हुई है, हिमाचल तो बहू आई है, हिमाचल में शिमला तो बहू आई है। तो हरियाणा में कैसा लगा कुकर की लव मैरिज हुई, कुकर स्टोरी स्टार्ट हुई, सारी चीज़ पूछांगे। तो इंटरव्यू में लास्ट तक बने रहियो। तो सबसे पहले शुरुआत करांगे इंट्रोडक्शन, तय पहला दादी गला राम राम कर लिया। दादी राम राम। राम राम जी राम। दादी ठीक हो? ठीक ठाक। और आपके पोता पोता की बहू ठीक है? जमा ठीक है। अच्छा सेवा पानी हो रही है? हाँ सेवा पानी पूरी हो रही है। चलो बाद में पूछो बाकी बात। राम राम जी। राम राम जी। एक बार सारे दोस्तों आज जुड़कर राम राम बोलो। राम राम सारिया ने। राम राम सारिया ने। मेरा नाम है प्रिया और मैं हिमाचल से हूँ, शिमला से। राम राम। राम राम कर दे। राम राम। राम राम जी। सारे बहन भाई है ना, राम राम। एक बार दस खंड बता करता हूँ आप। भाई साहब मैं हरियाणा करनाल असन चौचड़ा गांव से हूँ। अच्छा, तो जुगर आप देखने लग रहे हो भाई हरियाणा में बहुत बड़ा क्रेज चल रहा है, तो यार लव मैरिज कुकर स्टार्ट हो एक बार पूछा जब स्टार्टिंग तय, तो हरियाणा में कैसा लग रहा है यार पूछांगे। इंटरव्यू में लास्ट तक जरूर बने रहे, कमेंट जरूर कर दियो। तो लव स्टोरी हरियाणा में क्या है, कुकर चालू हुई या शिमला में चालू हुई थी, कुकर चालू हुई? लव स्टोरी तो मतलब पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, ये शिमला आए थे, इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, तो आप ये इनसे ही पूछिए। नहीं आप बताओ क्या फ्रॉड हुआ। मतलब ये शिमला में आए और यहाँ पे किसी से इनकी फेसबुक में बात हुई थी, कोई लड़का ही होगा इनके ही पड़ोस में, तो लड़की के तौर पे उसने बात की फेसबुक पे, उसने गूगल से फ़ोटो निकाले होंगे और शिमला के अपने फ़ोटो भेज दिए होंगे, लड़कियों के फ़ोटो निकाल दिए होंगे। तो इन्होंने बात की तो उसने बोला भाई मैंने मिलना है, इन्होंने बोला मिलना है, और इनकी फ़ोन में कोई बात नहीं हुई थी, उस पर सिर्फ चैट चैट हुई थी, और कहा कि भाई इन्होंने भी बोला होगा वीडियो कॉल करो, जब भी फ़ोन की बारी आती तो बोलता था कि नहीं मेरी मम्मी है, अभी मेरे पापा है। तो इन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी। तो उसने इनको शिमला मतलब बुलाया, उसके रिचार्ज वगैरह पता नहीं क्या कुछ कराया इन्होंने, उस पर कितना खर्चा किया, और था वो एक लड़का। तो ये एक लड़के पे शिमला चले गए। हाँ जी ये शिमला आ गए, तो इनकी देखो कितनी बड़ी गलती रही है। तो ये शिमला आ गए तो वहां पे इनको कुछ नहीं मिला, मतलब उस लड़के को इसने फोन किया इन्होंने, तो बोला कि आप आ जाओ मैं आ गया, तो उसने मतलब इनको गाली दी, बोला कि मतलब चल यहाँ से, मैं तो वैसे कुछ गाली वगैरह दे दियो, इनका नंबर है जो ब्लॉक कर दिया हूँ उसने, उस लड़के ने। फिर ये बेचारे वहाँ सैड हो गए, और मैं कॉलेज से आई थी, मेरी बहुत सारी फ्रेंड थी, हम वहाँ बैठे थे, हम शाम के टाइम मतलब 3-4 बजे थे, उतना शाम का टाइम भी नहीं था, हम माल रोड पे बैठ जाते थे शाम मतलब दोपहर में जब हम कॉलेज से आते थे। फिर ये वहाँ आए मेरे हमारे पास, बोला कि क्या बोलते हैं यहाँ पे कोई घूमने की जगह है, हम हैरान हो गए, हमने सोचा कि कोई मतलब पास का ही होगा ये। फिर हमने बोले आप कहाँ से आए हो, कहाँ मैं हरियाणा से आया हूँ। तो मेरी फ्रेंड है हंसने लगी कि भाई यहाँ आया है, इसको पता भी नहीं है शिमला के बारे में, बोले आप यहाँ आए क्यों हो जब आपको पता ही नहीं है भाई शिमला के बारे में। फिर मैंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं होता, तो इन्होंने भी मतलब बात की, मैं बोला कि मेरे को आप घुमाओ ऐसे वैसे, मैंने इनसे प्यार से बात की, चलो कोई बात नहीं हम आपको घुमाएंगे। तो इन्होंने बोला अपना नंबर दे सकते हो, मैंने अपना नंबर दिया, चलो कोई बात नहीं नंबर ले लो। तो ये शाम को मतलब थोड़ी बात हुई हमारे वहाँ पे, तो मतलब ये अपने कमरे में चले गए, होटल में इन्होंने रूम ले रखा होगा, और मैं अपने घर चली गई। तो इनका फ़ोन आया कि मतलब बात हुई हमारी बहुत ज़्यादा, तो वैसे धीरे धीरे बात, और मैंने कहा, फिर इन्होंने कहा कि मेरे को आप अच्छे लगे, मैंने तो आपसे शादी करनी है, मैंने भी, और मेरे घर में थोड़ा मेरे ऊपर भी प्रेशर था, मेरी पापा मतलब मेरे पापा है वो कहीं और मेरी शादी करा रहे थे, वो लड़का मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मतलब शादी का तो उस टाइम कुछ नहीं था मेरा, बस रिश्ता पक्का कराने की सोच रहे थे। तो मैंने अपने पापा को मतलब मैं ना मना कर सकती थी, क्योंकि मैं अपने पापा की बात कभी भी नहीं टाल सकती थी, तो मैंने इनको हाँ कर दी, हाँ मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को आप अच्छे लगे। बेटा आपकी मम्मी जी लव स्टोरी सुना रही, थोड़ा सा रुक जाओ रुक जा, कनिष्क थप्पड़ मारूंगी फिर तो
स्टार्ट आ गए। फिर मतलब मैंने इनको हाँ कर दी और हमारी बात हुई 2 बजे तक रात, मतलब हमारी बात हुई, बहुत बात हुई, तो हमारा मतलब सुबह तक पक्का था। सुबह मैं उठी 7 बजे, उस टाइम उस दिन मैं बहुत जल्दी उठी, 7 बजे मैं अपने घर से निकल ली थी। मतलब उस मतलब पहले मैं जब कॉलेज जाती तो मैं 8-9 बजे ही कॉलेज जाती थी, उस टाइम मैं जल्दी जल्दी, तो मेरी जो सिस्टर है, मेरी मौसी की बेटी और मेरी खुद की रियल बहन, वो तैयार होती स्कूल के लिए, और दीदी आप इतने जल्दी क्यों जा रहे हो आज, और एक सूट मैंने अपने पर्स में ले लिया था, उसकी जुत्ती पहन, आप मतलब मैंने कहा मैं कॉलेज में कुछ फंक्शन है और क्या बोलते, इसी करके मैं जल्दी जा रही हूँ। और मतलब उसको थोड़ा शक हो गया था मेरे ऊपर, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, गड़बड़ तो है, मैंने उसको समझा दिया था थोड़ा, तो वो मान गई थी और मैं आ गई। तो उसी टाइम हम मतलब वहाँ से भाग गए थे, मतलब हमने यहाँ इन्होंने भी अपने पापा इधर आ गए थे, हाँ जी, इन्होंने अपने पापा को फोन किया था, तो आधे रास्ते में गाड़ी लेके आ गए थे, और साथ में इनके पापा थे, मम्मी थी और सिस्टर भी थी इनकी एक। तो भाई उस समय जब आपके माँ बाप आए तो उनकी क्या बोले आप तक? भाई साहब पहला तो चौंक गया भाई, एकदम कैसे मतलब कि शादी कर रहे हैं बेटा, क्यों हो मैं बच्चा भाई, फिर मैंने समझा भाई ऐसे ऐसे हो गया, फिर मान गया मेरे डैडी, इसे गोदी में ले लो, बड़ा प्यारा बच्चा। फिर ना मैंने गए वो मेरे डैडी और चलो कोई बात नहीं भाई, शादी कर लिया तो तेरे साथ ही है, कोई ऐसी बात नहीं, रिश्तेदार सिस्टर शिस्टर तो चौकी एकदम भाई ऐसे कैसे शादी कर ली, लड़की को जान तो पहचान तो लेते। फिर मैंने बोला भाई नहीं नहीं लड़की अच्छी लग रही है, कोई बात नहीं। और फिर भाई शादी हमने असम में आकर कर ली, पहले तो हमने फेरे लिए, फिर उसके बाद थोड़ा प्रेशर सा बढ़ गया इनके फैमिली वालों का, फिर भाई हमने कोर्ट मैरिज करनी पड़ी, कोर्ट मैरिज हमने कर ली। अब भाई इनके घर के 1-2 महीना तक गुस्सा रहे, उसके बाद आन जान हो गया, अब मैं ले सारे खुश है। तो अगर क्या मैं पहला पढ़ा हरियाणा में के देखे हैं भाई कास्ट नहीं मिलती, नू नहीं मिलता, तो उस बदल करके क्या बोले के कास्ट के सिस्टम था भाई? कास्ट मतलब और किसी ने गलत गाइड कर दिया था उन्होंने, किसी ने पड़ोसी ने कोई गलत मतलब कि गलत कास्ट बता दिया उनका, और ज़्यादा गुस्सा हो गया। फिर उन्होंने हमने उन तक बताया भाई नहीं नहीं ऐसे नहीं, हम भी पंडित है। फिर जाकर उनका गुस्सा थोड़ा ठंड हो गया, चलो कोई बात नहीं गई है तो हमारी कास्ट में गई है, पर उनका थोड़ा गुस्सा ठंड हो गया। पर हमारे जो वो फर्स्ट टाइम आए थे ना इनके भाई, और उन्होंने थोड़ा पड़ोसियों से पूछा था, पड़ोसियों ने ठा के ना थोड़ा गलत गाइड कर दिया उनको, थोड़ा भड़का दिया भाई इनके लड़के की ऐसे शादी होगी, उनको गुस्सा था भाई, तो उन्होंने थोड़ा भड़का दिया, तो इसी वजह से थोड़ा गुस्सा हो गए थे। उसके बाद अब आन जाना कोई दिक्कत नहीं है, सारा आन जाना है। तो आपके घर के आप तक के बोले उस टाइम, दोबारा घर गए होगे आप? फिर उस टाइम जब मैं मतलब घर गई तो हमारे थोड़ा सा फंक्शन था, जब मैं घर गई थी जागरण था हमारे, मतलब बेटी घर आई है तो ऐसे नहीं मतलब बेटी को पहली बार शादी के बाद थोड़ा कुछ प्रोग्राम करते हैं, तो जागरण था उस दिन, तो कुछ नहीं कहा। फिर मैं मतलब 1 महीना रही थी वहाँ पे, ये आ गए थे जिस दिन, मतलब मैंने फिर 1 महीने बाद घर आना था, उस दिन मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा सुनाया, मतलब पूरा परिवार इकट्ठा होकर बैठे थे हम हॉल में, तो मतलब सारा परिवार मेरे ऊपर ऐसा चढ़ गया कि मैं क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ। मतलब मेरी भाभी ने फिर, एक तो क्या हुआ ना, मेरे भाई यहाँ आए थे जब मेरी शादी हुई थी, दूसरे दिन उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा, तो उसके बाद मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, मेरे भाई से, मैं ताऊ के बेटे से, मैं ताऊ के बेटे, तो उनसे कोई बातचीत नहीं हुई क्योंकि उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारा, मेरे को गुस्सा भी आया, चलो गलती मेरी थी पर मैं ही गुस्सा हो गई फिर भी कि भाई थप्पड़ मारा है मेरे को, तो उसके बाद मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। तो मेरी भाभी ने समझाया मतलब मेरे भाई को कि भाई ऐसा नहीं होता है, अब शादी हो गई है, अब तू भी मान जा, मैं नहीं, वो मान ही नहीं रहा था, तो मेरे पापा ने मेरे को उस टाइम बहुत समझाया भी और सुनाया भी, समझाया इस बात के लिए भाई बेटा तेरा बाप, मैं नखरे मतलब ओटता था हरियाणवी भाषा में, हर कोई नहीं होता, अब तेरी शादी हो गई है और तुझे मतलब उस हिसाब से रहना पड़ेगा हर एक चीज़। तो अब यहाँ जो इनका हिसाब तो रहो क्या, अपना हिसाब तो रहो, मैं मतलब अपने हिसाब से भी रहती हूँ, इनके हिसाब से भी रहती हूँ, मैं अपनी मतलब सब कुछ मीडियम चल रहा है, ऐसा नहीं है अभी मैं ज्यादा ही नखरे करती हूँ या ज्यादा ही बस गाय करेगा नखरे, सच्ची तुम तो ये तो आदमी इतना तेरा ऊपर बीतते हुए सारा भाई रहोगा ना भाई, इतने नखरे होने, बाकी समझा था ना थोड़ा, हाँ समझ जा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है बाकी। अच्छा तो कहे करें भाई हरियाणा में, अगर हरियाणा में शादी करा तो बहुत हरियाणा की आवा, तो खर्चे बहुत कम करवाया करा कर करवा सकियो, लेकिन हिमाचल की है थोड़ा मॉडर्न है, कितना खर्चा करवा दे भाई? महीने का 30-40 हज़ार रुपये हो जा। अच्छा। मान ले इन दूसरे तीसरे दिन तो शहर में जाना हुआ है बाजार में, भाई सूट शांट लेकर आओ, है 3-4 तो सूट लेकर आओ दूसरे तीसरे दिन, आप हिसाब लगा लो महीने में 30 दिन हुआ है, तो दूसरे दिन 3-4 सूट ले आए तो 1000-1000 के सूट 1000 रुपये बन गए। उसके बाद भाई ना जुत्ती भी चाहिए, चप्पल भी चाहिए, पोटर भी चाहिए, कहने का मतलब न्यू है पूरा पूरा सिस्टम है खर्चा का। हाँ पूरा सिस्टम भाई, जब इतनी दूर तो मेरे साथ पीछे ना हो फिर के हुआ
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। ऐसा नहीं है कि मेरे भी क्रीम पाउडर में ही मेरे सारे पैसे खर्च होते हैं। देखो ये बात सच है, मैं कुछ भी क्रीम पाउडर यूज नहीं करती, मेकअप का सामान तो इसके लिए तो मेरा बिल्कुल का खर्चा नहीं है, सिर्फ लिपस्टिक। और मेरे सूट का मुझे बहुत ज्यादा शौक है, मतलब कपड़ों का, मतलब चाहे जितने मर्जी हो मेरे कभी नहीं रसती उससे, और बाकी तो मेरे को ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता। तो यही बात आप करेंगे, दादी दादी तो रह दादी बहुत हो के बैठी है, सोचा मेरे तरह मेरे कहानी माइक लिया देनी। दादी सब तो पहले राम राम कर दो दर्शकों ने। राम राम जी, राम राम जमा चलो, राम राम कर दो। राम राम जी। अच्छा आपकी पोता की बहू हिमाचल आई है, किसा फील हो रहा? सही हो रहा है, सेवा बाड़ी हो जाए, सेवा बाड़ी करे, फूल करे, रोटी पानी मना सब सारा टाइम पे देवे है। अच्छा सारी मन की पूरी हेरी मेरी तो जमा मुंह में तो बोल देख ले, कहते बहु बराबर बैठी है, कहते तब क्या बोल दियो ना, क्योंकि मना बहु का डर मारे है। अच्छा ये देवेंगे ये करेंगे, वारी दियो सवेरी दियो। अच्छा मैं तो दमका भी दियो हूँ। अच्छा जब नई नया नया ब्याह आया था भाई, लोग कहेंगे हिमाचल तब जाए लड़की न्यू के, कुछ सिस्टम है समाज में, सिम खोल कर लिया, ये इनके साथ छोटा बालक था, ये तोड़े दिया गया, उम्र का कम था। अच्छा इनका बहू लिया है, बजाय का लिया है, न्यू लिया है। अच्छा। वो सिम खोल ठरकर ले तो कर रहे हैं, दूसरा का बस सहन नहीं होती। अच्छा कह कुआ कर न्यू कहते कहने दो कोई बात नहीं। अच्छा कहने दो कोई बात नहीं, कह लेने दो कह कर रहे हैं अगर बहू लिया मैं उस पर मैं चलता है, अरे दुनिया कर मखोल। अच्छा अरे मखोल कर 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 रह लेंगे, बरोबर में बसावे घर। अच्छा दादी ने भी शायरी आली देख लो, नया हरियाणा की बुढ़िया दादी भी। दादी एक बार के दर्शकों ने, दर्शकों ने के कहना चाहोगे देखने लायक रहा मजोन से, के 29 दर्शकों ने के कहना चाहोगे जो देखेंगे इस वीडियो ने? हम तो न्यू को सबका भला हो, सबको बहु बेटियां का पोतियां का भाग लग यो, मारा वर की सेवा सबकी बनियो। अच्छा सबका परिवार ठंडा सीड़ा रहियो, जिस मारी सेवा बना सी सबकी बनियो। चल बहुत बड़े दादी की सेवा होने लग रही, इस तरह बड़े दादी ने कही चाहिए, बड़े बड़े रंग मैं चाहिए उनकी सेवा होती रहे, आ जाएगा मन हों रहे। तो हरियाणा में आ गया कुकर से कितना एडजस्ट करना पड़ा, बोली का शाब्द है, काम का शाब्द है, रिवाजों का शाब्द है, सब कुछ एडजस्ट करना पड़ा। जब जिस दिन मतलब मैं आई उस दिन ना तो मेरे को इनकी भाषा कुछ भी समझ आई, इसके लिए तो मेरे को अभी तक मतलब अभी तक भी थोड़ी बहुत नहीं आती है, जैसे कि तड़की सुबह का, मतलब सुबह को बोलते हैं तड़की है भाषा में, ये भी मेरे को ये शब्द मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट लगा, मतलब ऐसे कि क्या चीज़ है ये, क्या बोलते हैं तड़की, सांझ, मेरे को समझ ही नहीं आता आपके था। वहाँ क्या बोलते हैं हिमाचल? हमारे तो बस जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह बोलते हैं, शाम हो गई तो शाम बोलते हैं, यहाँ तो मतलब हरियाणा तड़की सांझ। हाँ जी तड़की सांझ। और के डिफिकल्ट वर्ड लगे हरियाणवी? और भी बहुत सारे वर्ड ऐसे, बुंडा ये क्या मतलब, गंदे को ऐसे बोलते हैं बुंडी सकल का, ये भी मेरे को मतलब, और यहाँ की जो मतलब मेन गालियाँ देते हैं अजीब अजीब सी, ये भी मेरे को मतलब बहुत अजीब लगी, वैसे सारी चीज़ें मेरे को अजीब ही लगी, रीति रिवाज भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, मतलब अच्छे अलग है यहाँ के, हमारे कुछ अलग है, तो उसमें भी मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब एडजस्ट करना पड़ा, खाने पीने में भी मेरे को एडजस्ट करना पड़ा, तो अभी तक मतलब मैं एडजस्ट कर ही रही हूँ और मैं अब अच्छे से एडजस्ट कर सकती हूँ, मतलब हर चीज़ अब मेरे को सारा कुछ सही तरीके से आ गया। जब मैं आई थी तो वो मेरे को खाना तक कुछ भी नहीं बनाना आता था, मतलब चाय भी नहीं बनानी आती थी मेरे को। तो किसने सिखाया? मैंने खुद सीखा, मम्मी ने दादी ने सिखाया नहीं, किसी ने भी नहीं। अच्छा दादी तो बेचारी, इनको तो मतलब थोड़ी इनको आंखों से भी प्रॉब्लम है, कम दिखता है, और मेरी मम्मी स्कूल जाती है तो वो स्कूल जाती थी, सुबह का ब्रेकफास्ट वो बना के जाती थी और दिन में वो आती थी खुद बनाती थी। एक महीने तक तो मतलब 12 बजे में सो के उठती थी, बहुत नखरे हो गए, नई नई शादी है नखरा चढ़ गया, फिर मैंने सोचा यार ऐसे थोड़ी घर बसेगा, मेरे इतने नखरे रहेंगे तो ऐसे तो हमारा घर उजड़ जाएगा। आपने खुद को चेंज कर लिया? हाँ जी मैंने खुद को चेंज कर लिया, धीरे 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 धीरे, आज चाहे मेरे पे कुछ मर्जी बनवा लो। सुबह कितने बजे उठा करो? 7 बजे। यू भी लेट ही है बाकी, हरियाणा बहुत 4 बजे उठ के चाकी पीछे कर दी, पहले तो सच्ची नहीं है ना भाई, सच्ची है। फिर अपना ये है कि अपना डंगर डुंगर को नहीं, इसी करके थोड़ा 7 बजे से उठला कोई। मेरी मम्मी सुबह मतलब 5 बजे उठती है उनको, क्योंकि सुबह जल्दी स्कूल में जाना होता है, तो सुबह वो बस ब्रेकफास्ट बनाती है और चली जाती है, फिर उसके बाद मैं घर का सारा काम करती हूँ। आपको पता ही है घर का कितना काम होता है, सुबह झाड़ू पोछे बहुत, और मतलब साथ में बच्चा भी है, बच्चा कोई नॉर्मल नहीं है, इतना शरारती है कि मतलब इसको संभालने के लिए 2-3 दिन घंटे लग जाते हैं। क्या नाम बच्चे का इसका? इसका नाम कनिष्क है और मतलब इसको पर्व बोलते हैं। अच्छा तो हरियाणवी गाने सुने करो? हाँ जी सॉन्ग तो सुनती हूँ। किस किस के? बस केडी के सुनती हूँ और दिलेर खरकिया के। दिलेर खरकिया कौन सा गाना सुना कोई बताओ दर्शकों ने?
बस वो मेरे को ज़्यादा कुछ खास तो नहीं पता, बस वो मोटो सॉन्ग है, को अच्छा लगता है, वो सुनती रहती हूँ। और बस और उसके अजय उड्डा के भी वो तेरी पतली कमर वाला। अच्छा, बस ये तो इनमें से सबसे अच्छा कौन लगता है? ज़्यादा तो मैं उसको ही सुनती हूँ, पतली कमर वाला और ये वो मोटो सॉन्ग, बस ज़्यादा कुछ नहीं सुनती ज़्यादा मैं अपने भाई। दिलेर भाई तो मैं कहना चाहूँगा, अगर वीडियो देख रहे हो तो हिमाचल की है, आपकी बहुत बड़ी फैन है, मोटो गाना की बहुत बड़ी फैन है। नीचे कमेंट कर दो स्पेशल इनके लिए अगर आपने टाइम हो तो। अच्छा भाई, आपने कितना एडजस्ट करना पड़ा हिमाचली बोले आगे? एडजस्ट भाई करना पड़ा थोड़ा, हाँ हमने एडजस्ट कर एडजस्ट थोड़ा, हाँ न्यू करना पड़ा मेरे भाई। एक तो यहाँ का इन्होंने थोड़ा खाने पीने में दिक्कत आई, वहाँ का देसी खाना घी भी वहाँ का थोड़ा गाय का घी होता है, यहाँ भैंस का घी होता है, तो फिर घी भी वहाँ से लाना पड़ता था इसके लिए। तो बाकी ऐसे मतलब ठीक है, एडजस्ट थोड़ा बहुत आया हुआ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी महीने दो महीने में अपने अपने गांव की तरिया रच गई है। जैसे पहले तो जींस पैंट भी पहरे करती, लोग बोले करते भाई इनकी बहू जींस पैंट पहरा, बाकी अब गांव के रिवाज था सूट शर्ट पहरा ओला पड़दा सारा करा, इब कोई दिक्कत नहीं है, प्यार तरह है। और जो से भाई हिमाचल के गलत सोच रखा है, थिंकिंग रखा है कि भाई हिमाचल हरियाणा में लड़कियों को बेच देवा ये करता, उनके लिए मैं बताना चाहूँ भाई हरियाणा बहुत बढ़िया है और हरियाणा में ऐसी कोई बात नहीं है कि बेच देवा ये देवा। आप अंकिता मंडारा की देख लो, वो भी हिमाचल की थी, पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती। और मैं यही कहना चाहूँगा भाई, हमारी खुश जैसे हमारी शादी हुई, जैसे मैंने को बीवी मिली, सबको मिले और सब लगा रहे। अच्छा, एक हरियाणा में के है रंडे बहुत हैं, देसी भाषा में कह दी मैं, कुंवारे लड़के बहुत हैं, तो वो सोच रहे हैं कि भाई अगर आपका भी वहाँ हिमाचल में आपके आस पास की हो जाए तो रिश्ता करवा दोगे? कोई बात नहीं, रिश्ता भी करा देंगे। रिश्ता चाहिए भाई कमेंट जरूर कर दियो एक बार मेरे भाई। देख लो कुहारे लड़के कुहारे हाथ ऊपर है, जिसे रिश्ता चाहिए हिमाचल से लड़की आओगी। रिश्ता करना होगा हमारे चैनल पे जाके कर सकते हैं कमेंट, कन्नू शर्मा ब्लॉग्स हमारा चैनल है, आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल दियो हमारे चैनल का लिंक। अच्छा एक बात हो रहा है, हरियाणा में बहुत सारे देसी काम गामा मरवा आपने पता है, खेत का क्या हुआ है, खेत का अगर आप करना पड़ा कर लोगे? हाँ जी बिल्कुल, खेत हमारे खुद भी है वहाँ जमीन, हम खेती बाड़ी का काम करते थे, ऐसा नहीं अभी मैं बिल्कुल मॉडर्न हूँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहाँ पे खेतों में काम करती थी यहाँ पे, बल्कि इनके गाय तक नहीं मतलब है नहीं रखी है हमारे वहाँ, मतलब गाय भी है हमारे, सब कुछ है। तो क्या क्या कर लो अगर खेत में? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ तो मतलब जैसे घास लाते हैं ना तो उसको गठड़ी के अंदर बांध के ला, हमारे ऐसे नहीं, हमारे तो रस्सी के मतलब इतने बड़े बड़े घास होते हैं ना, तो मतलब गट्ठर उसको रस्सी के अंदर बांध के लाते, बिल्कुल अलग ही है, तो मैं वो भी ला दूंगी और मैंने लाया भी है, ऐसा नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसकी तो नहीं हूँ, उसको तो बहुत डर लगता है, गाय हो तो उसकी तो निकाल लूंगी। देख लो भाई हिमाचल की न्यू को नहीं मॉडर्न है, मॉडर्न का सारे काम आओ देसी काम सारे। तो आपने अब तक के काम करवाया जो अपना हरियाणा का हिमाचल में नहीं था वो काम? भाई इन्हें लगभग वहाँ तो ये कुछ काम नहीं करे थी, मतलब कि थोड़ा बहुत ही करे करते, थोड़ा मतलब लाडली थी अगर क्या की, बाकी घर के सारे कपड़े लत्ते भाई झाड़ू पोचा सारा कर ला, कोई दिक्कत नहीं है। खेत में जाना पड़ा जाए खेत में बिक जाए, भाई घास घूस काटना पड़ जाए घास घूस भी काट ला, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल देसी रहना सहन हो रहा है। तो इसका मतलब परिवार ना आनंद आ रहा पूरा? हाँ पूरा आनंद आ रहा भाई, इसकी तरफ तक कोई भी हमने दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐसी नहीं है कि भाई ये हिमाचल की है और हमने ये करना पड़ेगा इसके लिए वो करना पड़ेगा, अगर हम नमक गला रोटी खा रहे हैं तो ये भी नमक गला खा ले। अच्छा आपकी सासू के बारे में बताओ, आपने जब नई नई आई और आज दो साल हो गए साथ आपकी शादी ने, तीन साल होने वाले हैं, तो कैसा रहा आपका वहाँ तक का सासू के साथ बिहेवियर? देखो सासू मेरी बहुत अच्छी है और क्या बोलते बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जैसे मेरी वो माँ वहाँ की जिसने मेरे को जन्म दिया है उससे भी ज़्यादा अच्छी है मेरी सासू, मैं क्या बताऊँ आप लोग को। होती है यहाँ की सासू थोड़ी ख़राब भी होती है कहीं, वैसे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और मेरी सासू मतलब मैंने सुना था मैंने देखा नहीं था कि वहाँ की जो सासू और ननंद होती है थोड़ी ख़राब होती है, मैंने खराब मतलब थोड़ी झगड़े झगड़ालू होती है, ये तो आम होता है अगर परिवार में बस छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं। पर तो मतलब जब मैं शुरू में आई थी वहाँ से यहाँ पे तो मतलब कुछ भी काम नहीं करती थी मैं, कुछ भी नहीं, मैं 12 बजे सो के उठती थी आराम से अपनी मर्जी से, थोड़े नखरे ज़्यादा हो गए थे मेरी तो शादी होगी, मेरे को अच्छा लड़का मिल गया शरीफ है मेरी, पर मैंने सोचा नहीं यार ऐसे थोड़ी गर्व से, तो मतलब धीरे धीरे मैंने मतलब मेरी मम्मी स्कूल में जाती जो मेरा मन करता था घर में खाना बनाने का मैं बनाती थी, मैं थोड़ा बहुत फ़ोन में देख लेती थी, ऐसा नहीं है जैसे टीवी में सीरियल आते अपनी माँ को फ़ोन करा मेरे को ये खाना बनाना नहीं आ रहा तू बता दे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं फ़ोन में देखती
थी, थोड़ा बहुत मम्मी से पूछ लेती यहीं पे कि ऐसे बता दो ऐसे बता दो। तो धीरे धीरे मतलब मेरे को सब कुछ बनाना भी आ गया, तो मेरी मम्मी की और से भी कोई शिकायत नहीं है भाई, बस थोड़ा उनका ज़्यादा साफ़ सफाई में है कि भाई मेरे को साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए, बिल्कुल काम अच्छा चाहिए, तो मैं बिल्कुल उन्हीं के हिसाब से चलती हूँ और मैं उन्हीं की बात सुनती हूँ। मतलब मेरी सास है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और अब मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। किसी की सास होती है ऐसी, जैसे गांव की है तो मतलब कहती है कि ऐसे कपड़े मत पहन, ऐसे कपड़े पहन, बिल्कुल भी नहीं। मेरी मम्मी बोलती है तू टॉप पहन, शॉर्ट्स पहन, चाहे कैसे मर्जी पहन, सूट पहन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये हमारे फैमिली को। तो मेरी सास भाई देखा भाई हरियाणा में बउआ किसे कपड़े को नहीं पहनते आमतौर पर, बाहर की बहू ये वहीं पहन रहे हैं। तो किसी ने सवाल उठाया इसके कपड़े पे? हाँ भाई बहुत सवाल उठाए भाई इनकी लड़की तो भाई होटला बजाय खाना खावा है, मतलब कि ऐसे ऐसे कपड़े पहनना है। तो फिर मेरे भाई इसने भी थोड़ी बात बुरी लगी, तो ये भी ना जींस जूंस पहनना लगभग छोटे दिया कड़ी बैर भीतर दूर जाना हुआ तब डाला, बाकी घर में सूट शांट पहनना देसी स्टाइल में रहा बिल्कुल। जिस तरह पहले सूट पहने थे अपने वहाँ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मतलब साड़ी बांधी करे साड़ी? हाँ जी शादी में बांधी थी जब यहाँ पे आए थे तब, उसके बाद तो बहुत कमी क्योंकि साड़ी मैंने कभी डाली नहीं है तो मेरे को प्रॉब्लम आती है इन सब चीज़ों में। मैंने ज़्यादा बस पैंट और शॉर्ट्स ही पहने हैं, तो सूट में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बस आधे घंटे घंटे के लिए डाल देती हूँ सूट भी। तो ऑल ऑफ टाइम पूछा रहे ना कैसा लग रहा है? मेरे को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा यहाँ का जो मतलब माहौल है वो भी ठीक है, बस थोड़ी मतलब ये प्रॉब्लम आई यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, हमारे वहाँ क्लाइमेट थोड़ा ठंडा है, यहाँ का थोड़ा गर्म है, तो इसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी तक भी थोड़ी बहुत। बाकी मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब खेतों में जाते हैं तो और भी ज़्यादा दिल खुश हो जाता है। हरियाणा के लोगों तक कहोगे? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। वैसे कोई होता है एक आता जिनकी सोच थोड़ी गलत होती है, बोलते हैं ऐसे कपड़े पहनती है वैसे, तो उनके लिए भी यही कहूँगी कि ऐसा मत कहा करो, थोड़ी अपनी सोच बदलो। वैसे यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, मेरे को अच्छे लगे। मतलब यू था इनका इंटरव्यू, तो दादी के सवाल, दादी अपने सवाल पूछे, इंटरव्यू सवाल पूछे, आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बता दियो, नीचे वीडियो ने लाइक कर दियो। और मैं बताना चाहूँगी कल हमारा इंटरव्यू लिया गया तो उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी। वहाँ से स्वैग मीडिया वालों ने हमारा इंटरव्यू लिया तो मैंने उसमें डिस्ट्रिक्ट की बदले स्टेट बता दिया, मैंने बताना था कि हमारे हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें मैंने 12 स्टेट बता दिए, तो वो जो गलती थी नोट कर लियो, माफ कर दियो, कमेंट कर दियो नीचे जिसने भी करना हो। और यू इंटरव्यू आपने किसे लग गया कमेंट करके जरूर बताइयो। तो बच्चा बहुत शरारती है, बात आप और भी कर दे लेकिन होते हैं बच्चे शरारती, तो इस इंटरव्यू को एंड करते हैं। दादी तनु शर्मा ब्लॉग हमारे चैनल का नाम है, तो इनका जो चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके देख लियो।